राजधानी शिमला में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम लड़का हिंदू धर्म की लड़की को नौकरी और शादी का झांसा देकर अपने साथ दिल्ली ले गया और दिल्ली में जबरदस्ती शादी कर ली। लड़की को दिल्ली में युवक ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप है, साथ ही मुस्लिम धर्म का है। ये सुनकर लड़की ने शादी से मना कर दिया, लेकिन लड़के ने युवती का धर्म परिवर्तन करवाकर जबरदस्ती निकाह कर लिया। इस दौरान लड़के और उसके परिजनों ने युवती से मारपीट भी की और उसे विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित भी किया। लड़की 7 फरवरी को लड़के के चंगुल से भागकर शिमला अपने माँ बाप के पास पहुंची और लड़के के खिलाफ शिमला उपायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई और न्याय की गुहार लगाई है। पहले वो हमारे पड़ोस में रहते थे, फिर उसके बाद जो उन्हीं के घर में एक लड़की रहती थी, रुखसाना नाम है उसका, उसने मेरी फ्रेंडशिप करवाई उससे, पर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि वो मुसलमान है। फिर उसने मेरे से फ्रेंडशिप की, ऐसी मतलब बात आगे बढ़ती गई। फिर उसने मुझे कहा कि मैं अच्छी नौकरी दिलाऊंगा, ये बोलकर वो मुझे दिल्ली लेकर जाने के लिए बोला, पर वो मुझे मुरादाबाद ले गया अपनी किसी बहन के यहाँ पे। फिर वहाँ जाने के बाद उसने मुझे मतलब कोर्ट मैरिज करने के लिए कहा। फिर उसने मुझे बाद में बताया कि वो मुसलमान है और वो शादीशुदा है। फिर उसके बाद उसने, फिर जब मैंने सुना कि ये मुसलमान है, मुझे पता लगा, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे अपने घर वापस जाना है। पर उसने ज़बरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन कराया, मुझसे निकाह करा और उसके बाद फिर मतलब कि मैं यहाँ पे भी आई 3 महीने के बाद, 6 अक्टूबर को यहाँ पे मेरे माँ बाप ने मुझे बुलवाया दोबारा कोर्ट के जरिए, फिर यहाँ आई। पर यहाँ पे मैं अपने होशो आवास में नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं, मुझे दिल्ली ही जाना है उसके पास। फिर मैं चली गई दोबारा। फिर वो लोग मुझे मारते पीटते थे यहाँ से ले जाने के बाद, ज़बरदस्ती वो करते थे, मतलब कि गाय का मीट खिलाते थे ज़बरदस्ती। बता देते थे पहले कि हम गाय का मीट है, और ज़बरदस्ती खिलाते थे, मारते पीटते थे, और मुझे कहा कि इसके ना बच्चे नहीं हो रहे। और मुझे ज़बरदस्ती एक दिन उन्होंने मुझे कब्रिस्तान में रखा दरगाह ले जाने के बहाने, और उसकी बहन जो है रईसा और उसका जीजा, वो सब मुझे वहाँ पर ले जाके मारते पीटते थे, मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे वहाँ पे। और उसका तलाक हुआ था उसकी बीवी से, तब उसने 3 लाख रुपये मांगे थे, पर वो ना 3 लाख रुपये दिए होंगे कि नहीं ये नहीं मुझे पता। फिर बाद में उसने मुझसे कहा, मेरे से मुझे टॉर्चर किया कि अपने घर वालों से 3 लाख रुपये दिलवाओ मुझे। फिर बाद में वो मुझे कहीं ले जाने की बात कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही तंग करने लगे, इसलिए फिर मैंने वहाँ से अपने माँ बाप के पास आने का फैसला किया। फिर वो मुझे नोएडा से किसी के साथ उसने मुझे भेजा अपने घर, धनोरा मंडी भेज रहा था वो, पर मैं वहाँ नहीं गई, मैं अपने माँ बाप के पास आना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से बिजनौर आ गई अपने मौसा जी के पास। फिर मैं अपनी मौसा जी के यहाँ गई, फिर माँ बाप मेरे मुझे वहाँ लेने चले गए और मुझे यहाँ ले आए दोबारा शिमला में। उसे सज़ा मिलनी चाहिए बस, मुझे तो यही चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। आपको क्या कोई धमकी भी आई है? धमकी भी दे रहा था वो, मेरी मम्मी को फ़ोन किया था, मेरी मम्मी के पास उसने, जिस दिन मैं वहाँ से आई थी 7 फरवरी को, तो उसने 8 तारीख को फ़ोन किया था मम्मी के पास, और वो गाली गुली दे रहा था कि कहाँ है निशा, कहाँ है, मेरे को ऐसे बोल रहा था। जब आप नाम हुमेरा नाम रखवाया था मेरा। क्या नाम है? हुमेरा। वही मामला सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद लड़की के साथ खड़ा हो गया है और मुस्लिम लड़के के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री कुशल चंद ने कहा कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से लोग बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के रह रहे हैं, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। नाम बता दीजिए पहले तो। मैं शिमला जिला संगठन मंत्री कुशल चंद विश्व हिंदू परिषद से हूँ। हमें पिछले कल जो है सूचना मिली कि यहाँ अपने विकास नगर में एक धर्म लफ्ज जिहाद का जो मामला हमारे सामने आया, तो हमने संगठन के कुछ लोगों को सूचित किया और हमने इसकी जानकारी ली, तो हमें जानकारी से पता लगा कि लफ्ज जिहाद करके इस बहन को जो है पहले दिल्ली ले लिया गया और उसके बाद इसको जो है यूपी उधर लिया गया और जबरदस्त इसका जो है धर्म परिवर्तन कराया गया। इस लड़की को ये भी पता नहीं था कि ये लड़का जो है मुस्लिम है, तो उसको जो है उधर जाकर ही पता चला कि ये लड़का मुस्लिम है, और इसका जो अपनी ये बहन है इसको जानबूझ उन्होंने जो है गऊ मांस खिलाया और गऊ मांस खिला के जो इसका जानबूझ के धर्म परिवर्तन कराया, और ये लड़की वहाँ से उनके चुंगल से बचकर बड़ी मुश्किल से अपने परिजनों को उन्होंने सूचित किया और बहुत मुश्किल से यहाँ अपने शिमला पहुँची। हम विश्व हिंदू परिषद मांग करता है कि ऐसे दरिंदों को समाज में कड़ी सी कड़ी सज़ा हो, और जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में जो प्रवासी लोग ये आ रहे हैं,
इनकी मतलब पंजीकरण हो। ऐसे बहुत से प्रवासी लोग हैं जिनका जो पंजीकरण नहीं हुआ है और बाहर से आकर ऐसे अपने नाई का काम और दूसरे काम जो है महिलाओं के करते हैं और बहला फुसला कर जो है माताओं बहनों को अगवा करके जो है ये यहाँ से ले जाते हैं और इनके जो है संपर्क सीधे आतंकवादियों से भी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन इन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें और इनको जो है दंड दिया जाए। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।